जो बता रहा हूं वो हवा की बात नहीं करो, मैं आज तक जो बोला हूं हर चीज हुई है। मुझे कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता कि आपने ऐसी गलत बात बताई करके। और वो दिन अब दूर नहीं है कि दुनिया के हवाई जहाज इंडियन एयरपोर्ट पे इसलिए आएंगे कि पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल से हमारा फ्यूल सस्ता होगा और वो यहां पूरा भर के यहां से जाएंगे और किसानों को उसका फायदा मिलेगा। इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल बन रही है और परली से भी बन रही है। अभी बादशाह पटेल गए थे आसाम में, हम नुमालीगढ़ में बांबू से इथेनॉल बना रहे, तो वो एमडी मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा कि नुमालीगढ़ से पाइपलाइन डालिए अपने बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जब आई थी तो मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला, तो मैंने उनको भी और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी मिलने दोनों को एक सलाह दी कि तुम्हारा पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हो सकता है। बोले कैसा हो सकता है? मैंने बोला हिंदुस्तान से इथेनॉल मांगो आप। अब नुमालीगढ़ में बांबू से बना हुआ इथेनॉल अगर पाइपलाइन से पेट्रोल में 20% डाल के अगर बांग्लादेश जाएगा तो आसाम और नॉर्थ ईस्ट में हजारों लाखों युवाओं को बांबू काटना, ट्रांसपोर्ट करना, रिफाइनरी पहुंचाना, ये काम मिलेगा। और इथेनॉल जो बनेगा वो पेट्रोल में डालेंगे तो पेट्रोल का भाव 120 रुपए आता है और इथेनॉल का 60 रुपए आता है, तो पेट्रोल सस्ता होगा, सरकार का भी फायदा होगा, जनता का भी फायदा होगा, प्रदूषण भी कम होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अब किसानों को पैसा मिलने की कौन से फील्ड में संभावना है? अभी हिमाचल और कश्मीर में एप्पल होते हैं। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप कौन से एप्पल खाते हो? ये हिमाचल और उत्तराखंड के एप्पल नहीं खाते लोग। अब पोलैंड से एप्पल आ रहे हैं, ईरान से एप्पल आ रहे हैं, दुनिया भर के देशों से एप्पल आ गए और उनकी टेस्ट और क्वालिटी अलग है और इनकी अलग है। अभी शिवराज जी चले गए पर ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हर तालुका में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक नर्सरी तैयार करिए। अपने नासिक में सह्याद्री है, उन्होंने ग्रेप के लिए दुनिया से अच्छी वैरायटी लाई और ग्रेप के में सुधार किया तो 1500 करोड़ के ग्रेप उन्होंने एक्सपोर्ट किए। अभी हमने संतरे में नई कलम लाई है और हम विदर्भ में अच्छा संतरा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया में बदलने के लिए हमारे फ्रूट्स की क्वालिटी दुर्भाग्य से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में हम बहुत क्वालिटी में कम है, और इसलिए सीड और कलम इसमें इंटरनेशनल क्वालिटी के बराबर जाना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए हमारे स्टेट में हॉर्टिकल्चर में बेस्ट एप्पल, बेस्ट ग्रेप, बेस्ट ऑरेंज, अब ये नागालैंड की पुरस्कार मिला, ये मुख्यमंत्री नागालैंड के मुझे हर साल पाइन एप्पल बेचते हैं। आपने कभी खाया होगा इनका पाइन एप्पल? पाशा जी ऐसा पाइन एप्पल नहीं है कहीं, ये पाइन एप्पल इतना स्वीट और अच्छा है कि मैं राह देखते रहता हूं। मैडम यू अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश समझती है। आई एम टेलिंग यू दैट द क्वालिटी ऑफ पाइन एप्पल इन नागालैंड इज बेस्ट इन द कंट्री, सो गुड टेस्ट। पर आपको पता है ये एप्पल रोड पे फेंक देते हैं, ये पाइन एप्पल फेंक देते हैं। देर इज नो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन नागालैंड। अगर कोई बड़ा जूस वाला अगर वहां जाएगा और एप्पल का पाइन एप्पल से जूस निकालेगा, मैं आपको लिख देता हूं वो इतने अच्छे अच्छे नए नए फ्रूट्स बना रहे, प्रोसेसिंग नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं, प्री कूलिंग प्लांट नहीं, बेचारे गरीब किसान फेंक देते हैं। जब तक प्री कूलिंग प्लांट नहीं होगा, कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगा तो कहां से होगा? अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगा कि नासिक और अहमदनगर जिले में